Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSS Hisab. बच्चों आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन के ऊपर बात करने से पहले चलिए हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक्स कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे, जैसा कि एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि क्या किस तरीके से वो उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो हम उस बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम डेफिनेशन कर लेते हैं ना बच्चों, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, तो हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे. फिर हम इसके प्रोसेस को देखेंगे और साथ ही हम इसकी इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे. अब्राहम मास्लो है एक, उन्होंने बहुत इसकी अच्छी थ्योरी दी है. अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बेसिस पर वो एक कुछ थ्योरीज देते हैं, तो हम जो करने वाले हैं वो अब्राहम मास्लो की थ्योरी करेंगे, जिसका नाम है मास्लोस नीड हरारे थ्योरी. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड द लास्ट हम पढ़ेंगे, विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, कि जो हम मोटिवेशन के वक्त इंसेंटिव्स यूज़ करते हैं उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें बच्चों आप इंक्लूड करते हो. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की. मीनिंग पर चलने से पहले बच्चों हम बात करेंगे मोटिवेशन है क्या. हमारा कभी सुना है आप लोगों ने मोटिवेशन क्या चीज़ होती है. मोटिवेशन जो है ना, एक ये मोटिव वर्ड से निकल कर आया है. अक्सर आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई क्राइम हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसका मोटिव क्या था. उसके तो आपने सुना ही होगा कि वो मोटिव क्या था. तो वहाँ पे मोटिव है, या फिर और भी चीज़ें होती हैं. ज़रूरी थोड़ी ना है कि क्राइम में ही मोटिव होगा, ऐसा नहीं है बच्चों. आप प्लस टू कॉमर्स कर रहे हैं, आपने कॉमर्स ही क्यों लिया, जबकि आपके पास आर्ट्स का ऑप्शन भी था, आपके पास साइंस का ऑप्शन भी था ना. तो आपने कॉमर्स क्यों चूज़ किया, आपका इसका करने का मोटिव क्या था, क्यों आप कॉमर्स चूज़ किया आपने. तो यहाँ पे जो एक मोटिव वर्ड है, वो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान की, एक इंडिविजुअल की, उसकी नीड से, उसकी ज़रूरतों से, उसकी इच्छा से, उसकी ड्राइव से जुड़ा हुआ होता है. अब वो इच्छा क्या है, ज़रूरत क्या है. जैसे देखिए कि एक इंसान को खाना नहीं मिल रहा, तो वो खाना ना मिलने के कारण कोई काम करेगा, ऐसा काम करेगा जिससे उसको कुछ पैसे मिले या फिर उसको खाना मिले. अगर पैसे मिलेंगे तो वो पैसों से खरीद के खाना खा लेगा, और डायरेक्ट अगर खाना भी मिलेगा तो वो खाना ले लेने के लिए कुछ काम करेगा, है ना. तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई नीड होती है इसके पीछे. तो यहाँ पे बच्चों मोटिवेशन इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लगता है एक, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी अक्सर बताती हूँ कि एक कॉमर्स और कॉमर्स में बिजनेस पढ़ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. क्यों? क्योंकि ये वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. जैसा हमारे साथ होता है, हम रियल लाइफ में काम करते हैं, वैसा ही हम बिज़नेस में करते हैं. इनफैक्ट इसके जो एप्लीकेशंस हैं, या जो इसके रूल्स हैं, या जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर मैं ये कहूँ कि बिज़नेस पर ही अप्लाई होते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं है. वो खाली बिज़नेस पर अप्लाई नहीं होते हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं. ऑलमोस्ट ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी वास्तविक ज़िंदगी में, मींस आपकी घरेलू लाइफ में भी, आपके स्कूल में भी, आपकी मम्मी काम करती है वहाँ पर भी यूज़ होंगे, पापा काम करते हैं वहाँ पर भी यूज़ होंगे, मतलब हर जगह यूज़ होते हैं. तो इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और आज का चैप्टर भी कुछ हमारा ऐसा सा ही है जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए कहा गया है, एक छोटा सा इन्होंने मीनिंग को बताया है, क्या बोलते हैं वो, कि ये एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है बच्चों? स्टिमुलेटिंग पीपल, पीपल को स्टिमुलेट करना ताकि वो अपना जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. अब वो जो आप वर्क गोल उनसे अचीव करवाना चाहते हैं, वो आप किस किस चीज़ के लिए करते हैं, बिहेवियर किस चीज़ के लिए हो सकता है. आप मनी लेना चाह सकते हैं, आप सक्सेस के लिए कर सकते हैं, आप रिकॉग्निशन चाहते हैं, है ना. कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है, कोई एक सक्सेस इंसान बनना चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई ये चाहता है कि मेरी एक अलग से पहचान हो. जैसे आप क्लास में होते हैं, आपको लगता है ना कि टीचर अगर ये बोल रहा है आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, तो कितना अच्छा लगता है, हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई हाँ, हमने अच्छा काम किया और टीचर ने हमारी प्रेज़ की.
तो वहाँ से आपको एक अलग पहचान मिलने लग जाती है सब लोगों के नाम में, हाँ ये वही बच्चा है, वो टॉपर है ये, है ना, तो वो रिकॉग्निशन मिल जाती है। ऐसे ही एक बिज़नेस में भी रिकॉग्निशन होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ पे आप किसी काम को पूरी संतुष्टि के साथ करते हैं ना बच्चों, वो काम मान के चलो कि वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही होगा। और सेटिस्फेक्शन कब आएगी, जब आप उसे इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तभी आप आएगी। पता है मोटिवेशन पे आगे चलने से पहले ना एक बात बताती हूँ आपको। अब कोई भी इंसान, हम उसको काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो किसी काम को करे। अब काम को अगर वो करना चाहता है ना तो उसमें दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो उसमें वो काम करने की योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता है तभी वो काम करेगा। एक इंसान टीचर बनना चाहता है तो अगर उसमें क्वालिफिकेशन है तो ही तो वो टीचर बनेगा। अब मैं कॉमर्स की टीचर हूँ तो मैं कैसे बनी, मुझे उसके लिए कॉमर्स की स्टडी करनी पड़ी। अगर मैं कॉमर्स की टीचर बनना चाहती थी तो अगर मैं, मेरे पास एमकॉम नहीं थी या मेरे पास कॉमर्स की स्टडीज़ नहीं थी तो मुझे क्या करना चाहिए था, मैं उसको एजुकेशन ले सकती थी, मैं उसके लिए ट्रेनिंग ले सकती थी और फिर मैं उसमें काम कर सकती थी, है ना। मतलब अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है तो आप उस एबिलिटी को तो कर सकते हो, गेन कर सकते हो उस एबिलिटी को, आप एजुकेशन भी ले सकते हो, ट्रेनिंग भी ले सकते हो। चलिए ये तो हो गया कि एबिलिटी तो किसी काम को करने के लिए होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ आपके पास एबिलिटी भी है लेकिन अगर आपके पास काम करने की विल ही नहीं है, आप उस काम को करना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे करोगे। विल आप कह सकते हो, आप इसको डिज़ायर भी कह सकते हो कि आप उस काम को करना ही नहीं चाहते, अगर इच्छा ही नहीं है तो काम नहीं कर सकते ना। मोटिवेशन यही जगाता है, आप में काम करने की इच्छा को जागृत करता है कि आप खुद पे खुद वो काम करने की इच्छा अपने मन में लेकर आते हैं और काम को बहुत अच्छे से करते हैं। अब काम करने की इच्छा कैसे जागृत होगी, जब कोई आपको आवश्यकता होगी, कोई आपकी ऐसी नीड होगी, कोई ज़रूरत होगी जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही तो आप सोचोगे कि अगर ये ज़रूरत पूरी हो जाए तो मैं इस काम को और अच्छे से करूँ, है ना। मतलब कि उस काम को, जैसे मैंने अभी बताया था आपको क्या, कि अगर कोई इंसान भूखा है तो वो काम कर रहा है किस लिए, अपना पेट भरने के लिए। अब क्या खाली इंसान खाने के लिए ही काम करता है, नहीं, इंसान को और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, हमें ऐशो आराम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हम उन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो मतलब वहाँ पे क्या चीज़ है, ये डिज़ायर है, ये हमारी इच्छाएं हैं। एबिलिटी तो आप बना सकते हो, आप एजुकेशन से लेकर आ सकते हो, ट्रेनिंग से लेकर आ सकते हो, लेकिन इच्छा तो वो नहीं कर सकते। और काम करने के लिए इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप में एबिलिटी है लेकिन अगर इच्छा नहीं है ना तो आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप में इच्छा है और एबिलिटी नहीं है तो आप उस काम को कर सकते हो, क्योंकि जब इच्छा आ जाएगी तो एबिलिटी तो आप खुद पे खुद ले ही आओगे, है ना, कितना मज़ेदार बात। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि एक किस्म से हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं क्या, कि जो इसका काम है, क्रिएट विलिंगनेस अमंग द एम्प्लॉइज़ टू परफॉर्म इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। हम लोगों में विलिंगनेस ही लेकर आ रहे हैं, लोगों मतलब हम अपने एम्प्लॉइज़ में, हम अपने वर्कर्स में एक विलिंगनेस लेकर आ रहे हैं, हम काम करने की इच्छा लेकर आ रहे हैं, कि हम इच्छा को जागृत करते हैं, बनाते हैं उसमें, ताकि वो जितनी भी उनकी एबिलिटीज़ हैं वो उसका बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। पता है बच्चों, हर इंसान में इच्छाएँ दबी हुई होती हैं, इच्छाएँ भी दबी हुई होती हैं और क्षमता। मेरा ये मानना है कि हर इंसान टैलेंटेड है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो टैलेंटेड नहीं होगा, सब काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी क्लास में जो बच्चा एक टॉपर है, क्या वो वही इंटेलिजेंट है, वो इसलिए उसने नंबर अच्छे लेकर आया, नहीं, टॉपर आप भी बन सकते हो। सिर्फ फ़र्क क्या है, उसने ध्यान दिया, उसकी इच्छा थी कि उसको नंबर ज़्यादा लेकर आने, इसके लिए उसने एफ़र्ट्स किए थे। आप वहाँ पर अपने एफ़र्ट्स किए, आपने अपने, या तो आपने एफ़र्ट्स नहीं किए, एफ़र्ट्स कम किए, या आपका कंसंट्रेशन जो था वो दूसरी चीज़ों पर था। आपकी डिज़ायर वहाँ पे नंबर ज़्यादा लाने की नहीं थी, बल्कि आपकी डिज़ायर वहाँ पे खेल कूद की ज़्यादा थी, या दूसरे कामों में आपकी डिज़ायर ज़्यादा थी, तो इस वजह से आपके मार्क्स को क्या हो गया, कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो हो गए वो बच्चों थोड़े से कम हो गए।
तो समझ आया आपको मतलब क्या है कि मोटिवेशन का एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी नीड्स, डिज़ायर्स, वांट्स, मतलब विलिंगनेस क्रिएट करना, ताकि जो लोग हैं वो अपनी छिपी हुई क्षमताओं को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें, उससे एम्प्लॉयज़ भी खुश और ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो जाता है। चलिए, इसीलिए हम डेफिनेशन करते हैं बच्चों। यहाँ पे स्कॉट हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि स्कॉट क्या कहते हैं। मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स। जो मोटिवेशन है वो लोगों को स्टिमुलेट करने का एक प्रोसेस है, जिससे जो भी हमारे डिज़ायर्ड गोल्स हैं ना बच्चों, वो सही ढंग से हम पूरा कर सकें। जब हमारे अंदर इच्छा हो जाती है ना, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और पता है आपको, कुंटस ऑडोनल हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी और छोटी बातों में, कम वर्ड्स में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। और इन्होंने यहाँ पे इसकी एक बहुत फैंटास्टिक डेफिनेशन दी है, जो इसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। दैट इज़, टू मोटिवेट इज़ टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर। कि लोगों को इस ढंग से प्रेरित करना कि वो हमारे कहे के अकॉर्डिंग ही काम करें, है ना। इच्छित ढंग से काम करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। मतलब हमारा काम भी जो हो रहा है वो हमारे इच्छा से हो रहा है, और करने वाला देखो प्रेशराइज फील नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो भी अपनी इच्छा से ही काम कर रहा है। तो ये सब किसका कमाल है, ये सब कमाल है बच्चों मोटिवेशन का। इसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेट। चलो, अब आपको मीनिंग भी पता चल गया, डेफिनेशन भी पता चल गई। तो एज़ यूज़ुअल, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि हमें एक इसका एक कंक्लूजन देना चाहिए कि अब एक क्या चीज़ है ये। तो इसमें क्या है कि मोटिवेशन को हम ये कह सकते हैं कि एक प्लांट है ना, प्लांट मैनेजरियल प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्टिंग का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आपने कौन कौन से फंक्शंस कर लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, अब चौथा फंक्शन हमारा चल रहा है कौन सा, डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्या करेंगे, फिर डायरेक्टिंग में अब जब लोगों को हमने लीड करना है, लोगों को बताना है, तो उन्हें आना चाहिए कि हम उनकी इच्छाएं को पूरा भी कर रहे हैं और अपनी इच्छा से उनसे काम भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है कि विच स्टिमुलेट्स पीपल टू वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। कि हम इस ढंग से लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमता है आपके अंदर, जैसा मैंने अभी बताया, आपके अंदर भी बहुत क्षमता है, हर इंसान के अंदर है। हम कहते हैं ना, बहुत टैलेंटेड है लेकिन सब कुछ छुपा रखा है, तो वो बात है। तो छुपी हुई क्षमताओं को निकालना है और उनसे बहुत अच्छा काम करवाना है, लेकिन किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग देम विद मोटिव्स। हम उन्हें मोटिव देते हैं काम करने के लिए, विच आर बेस्ड ऑन देयर अनफुलफिल्ड नीड्स। जो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं, हम उनको उन नीड्स का हवाला देकर, उन चीज़ों को बेस बनाकर हम क्या करते हैं, वो मोटिवेशन देते हैं। मतलब हम, इनफैक्ट अगर हम ये कहें ना, तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि मोटिवेशन इज़ इनफैक्ट प्रेसिंग द राइट बटन टू गेट द डिज़ायर्ड ह्यूमन बिहेवियर। कि अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर का बटन दबा दें ना, अगर सही, अगर हम चाहते हैं कि भाई एक ह्यूमन हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं वैसा करे, तो एक सही जगह बटन दबाने की ज़रूरत है। अगर बटन दबाएंगे तो वो इंसान हमारे अकॉर्डिंग ही काम करने वाला है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन कर देता है। तो कितना है ना इंटरेस्टिंग सा, मज़ा आ रहा है करने में। चलिए, अब आपको इसको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप, है ना। चलिए, तो अब हम इसकी करने वाले हैं बच्चों फीचर्स। फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहली फीचर है बच्चों हमारी, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। ये कोई बाहर से दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी एक अंदर की है, आंतरिक अनुभव है हमारा। क्यों? क्योंकि हम कुछ अगर करना चाह रहे हैं, या हम कुछ सोच रहे हैं, या हमारी ज़रूरत है, ये सब हमें अंदर से फील हो रहा है। किसी को आप दिखा तो नहीं पा रहे ना, तो जब अंदर से फीलिंग है कि भाई हाँ, आपकी ये ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई है और हम इस ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए काम करते हैं। सेकंड क्या चीज़ आ जाती है बच्चों, मोटिवेशन इज़ नीड बेस्ड, ज़रूरत पे है ये। जैसी आपकी ज़रूरत होगी, आप वैसा ही इसमें काम करते हो।
अब जैसे मैंने बताया कि सभी को खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन किसी के पास खाने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन उसके पास एक एसी नहीं है तो वो एसी के लिए काम करेगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो चाहता है कि भाई मेरा पास गाड़ी भी होनी चाहिए, तो वो गाड़ी के लिए काम कर रहा है। किसी के पास बंगलो नहीं है तो वो बंगले के लिए काम कर रहा है। कोई चाहता है कि मेरा और हाई स्टेटस हो, मेरी एक अच्छी पहचान बने, लोग मुझे जाने, मैं बहुत अच्छा एक बनूँ कि दूर दूर से ही लोग मेरे को मतलब पहचान जाएँ, एक मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि मुझे आत्मसंतुष्टि भी मिले। तो मतलब आप उन चीज़ों के लिए, सारे लोग एक जैसे के लिए काम नहीं करते, हर एक का अपना अलग अलग होता है। मोटिवेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है बच्चों कि ये एक बार अगर आपने कर लिया, एक ज़रूरत पूरी कर ली तो हो गया, नहीं। एक ज़रूरत पूरी होती है तो फिर दूसरी निकल आती है, दूसरी पूरी होती है तो फिर तीसरी आ जाती है ना। घर में आपको अगर जेब खर्ची मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, आप कुछ चीज़ ले लेते हैं, बाद में कहते हैं नहीं हमें तो ये भी चाहिए था, अब हमारे को भी ये चाहिए, होता है ना ऐसा। तो मोटिवेशन भी हमारा यहाँ पे क्या है, जब हम एम्प्लॉइज़ हैं या हम काम कर रहे हैं या हम कोई भी हैं, हमारी ज़िंदगी में ना तो कभी ज़रूरतें ख़त्म हो रही हैं। कहते हैं ना जितना पैसा इंसान के पास है वो भी कम पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत भी उसके अकॉर्डिंग ही बन जाती है। तो इसलिए मोटिवेशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है, एक क्योंकि आपकी एक नीड ख़त्म होगी तो आप दूसरी नीड की तरफ पहुंच जाओगे। लेकिन बात क्या है, ये मोटिवेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? आप देखिए, जो लोग काम करने वाले हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया, जैसे आपका एक क्लास का एग्जांपल लेकर चलती हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, आप बच्चे क्लास में पढ़ते हो, क्लास में टीचर क्या करता है कि अगर कोई अच्छा बच्चा है, काम नहीं करके आया, जो अक्सर पढ़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, नहीं 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 बेटा तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और तुम करो तो तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है, आपने वेल डन, बहुत अच्छा किया। तो आपको अगर वहाँ पर अच्छा मिल रहा है तो मतलब एक एप्रिसिएशन मिला, तो एप्रिसिएशन भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ज़रूरी नहीं होता कि मॉनेटरी टर्म्स में मिले, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, इसको हमें भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जो काम ही नहीं करना चाहता, जो काम से जी चुराता है, तो उसको कई बार क्या होता है कि हमने प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं माना, तो अल्टीमेट फिर हमें उसे क्या करना पड़ता है, हम कहते हैं नहीं तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम खड़े हो जाओ, थोड़ी सी पनिशमेंट देनी पड़ जाती है ना। जब उसे फिर पनिश करते हैं तो फिर उसे लगता है भी नहीं, अब तो मेरी तरफ फोकस है, अब मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुआ, ये भी मोटिवेशन का ही काम है टीचर की तरफ से। उसने किसी को एप्रिसिएशन दिया कि अगर बच्चा एप्रिसिएशन से काम कर रहा है, इट मीन्स वो पॉजिटिव है। उसको पनिशमेंट दी जा रही है, दैट इज़ नेगेटिव। और ऐसा ही जो है ना बच्चों, कंपनीज में भी होता है कि जो इम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें कोई रिवार्ड दे दिया या कोई नॉन मॉनेटरी टर्म्स में या रिकॉग्निशन वगैरह कुछ भी दे दिया, तो उनके लिए वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन सारे लोग तो अच्छे नहीं होते, कुछ काम से भी चीज़ चुराते हैं, कुछ लेथार्जिक भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नेगेटिव भी करना पड़ता है कि भाई अगर तुम काम नहीं कर रहे तो तुम्हारे लिए फिर पनिशमेंट है, तुम्हारी सैलरी कट होगी या तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है ना बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसे हम बहुत आसान सा प्रोसेस नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि देखो ह्यूमन से रिलेटेड है, आपको किसी के अंदर उसकी ज़रूरतों का एहसास करवाना है। जब उसे कोई ज़रूरत का एहसास होगा तो ही तो वो काम करेगा ना। तो अब इंसान अलग अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, हर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या ये एक आसान है कि एक हमारा सही निशाना लगे भाई हाँ इसकी ये ज़रूरत है और हम इसे ये ऐसे ही काम करवा रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है ना बच्चों। तो यहाँ पे फिर इसलिए मोटिवेशन जो है बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस। एंड द लास्ट इज़ मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। होता क्या है, इससे हमारे जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने से रिलेटेड हमारा जो व्यवहार होता है वो उत्पन्न होता है इस मोटिवेशन से। क्योंकि लोग अपनी इच्छा से उस गोल को पूरा करने के लिए काम करते हैं ना, डबल फ़ायदा,
वो कहते हैं ना कि एक तीर के दो निशाने लग गए उसके, है ना। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो जो है इंडिविजुअल है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नीड पूरी होगी, दूसरी तरफ क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसलिए क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी पूरे हो जाएंगे, है ना। कितनी मज़ेदार बात, काम एक किया लेकिन उसके फ़ायदे हमारे को दो हो रहे हैं और वो भी अच्छे, कि उससे क्या है कि इंडिविजुअल भी खुश है और इंडिविजुअल खुश है और ऑर्गेनाइजेशन वाला भी खुश है क्योंकि इंडिविजुअल ने काम बहुत अच्छा सा किया है। इंडिविजुअल पर्सन की भी अपनी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो गई, और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि वो अच्छा बढ़े करे आगे, तो वो भी बहुत अच्छा सा हो जाता है, है ना। कितना मज़ेदार काम। चलिए तो ये तो थी बच्चों हमारी फीचर्स। अब नेक्स्ट आती है इम्पोर्टेंस। अब देखिए इम्पोर्टेंस के लिए मैंने आपको एक ये पिक दिखा रही हूँ। ये क्या लिखता है, फ्रांसिस है, इन्होंने एक पिक में बताया है। ये आपको कुछ वर्ड्स टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, आई गिर गया, एम गिर गया, आगे पॉसिबल वो भी गिर गया। हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ, कई बार हम बहुत बार ऐसा करते हैं ना, इम्पॉसिबल है ये, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों आपको पता है इम्पॉसिबल वर्ड खुद अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। आप देखो इन वर्ड्स को अगर आप जोड़ देते हो, ये देखिए अगर इन वर्ड्स को अगर आप जोड़ दो तो क्या बन गया, ये इम्पॉसिबल। लेकिन अगर यहाँ से आई और एम हट गया तो फिर ये क्या बन गया, पॉसिबल, है ना। तो मतलब इम्पॉसिबल वर्ड खुद अपने आप में क्या कह रहा है, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, तो तुम कैसे मान सकते हो कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसी से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी कॉट जो है ना फ्रांसिस ने दी है, वो कहते हैं स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, कि आप काम करना शुरू करो, जो जरूरी है वो काम करना आप शुरू करो, ठीक है। देन डू व्हाट्स पॉसिबल, फिर आपको क्या करना है, आपने काम करना शुरू कर दिया, अब आप जो और पॉसिबल है ना वो भी करो, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। और फिर होगा क्या, अचानक ऐसा होगा कि जो इम्पॉसिबल था ना वो भी आप कर लेते हो। तो ये किस चीज़ से पॉसिबल है बच्चों, ये मोटिवेशन के कारण पॉसिबल है। क्योंकि जब हमारी कोई डिज़ायर है, नीड है, और ऐसी है कि हम सोचते हैं कि ये नहीं हम कर सकते, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का एक डिटर्मिनेशन बहुत होता है, कि अगर आपने कुछ डिटरमाइन कर लिया तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता। बस एक हमारा जो है ना निश्चय पक्का होना चाहिए, निश्चय पक्का है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको कोशिश की है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, कि इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा उसमें करते हैं। पहली इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों क्या है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल। क्या करता है ये, इससे हमारा परफॉर्मेंस लेवल इम्प्रूव होगा। क्योंकि देखो हमने अब एक इंसान में इच्छा जागृत कर दी कि वो अच्छा सा काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी उसके काम करने से उसकी ज़रूरत पूरी होने वाली है, है ना। जब उसकी ज़रूरत पूरी होने वाली है उस काम को करके, तो अब वो काम अच्छा सा करेगा, जब काम वो अच्छा करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस लेवल भी हमारा कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सेकंड क्या आ जाता है, हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। कई लोगों में बच्चों क्या होता है कि एक बड़ा नेगेटिव सा एटीट्यूड होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मालिक है, और मालिक का तो ना यही होता है कि वो टॉर्चर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, समझता नहीं है, वो ढंग से सैलरीज नहीं देता। तो हर जगह ऐसा नहीं होता, अगर अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, सब कुछ है। तो अगर हम उन्हें अच्छी चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम उनको भी समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ का क्या होगा कि हम उनका नेगेटिव एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, है ना। जो अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड गलत फहमियाँ पाल के रखी हैं उन्होंने, तो हम उनको भी बदल सकते हैं। लेकिन किसके कारण हम ऐसा, हम मोटिवेशन के कारण कर सकते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो जब एक इंसान अच्छा सा काम कर रहा है, अच्छा काम किया उसने, तो आपने उसके बदले में उसको बहुत अच्छा रिवार्ड दे रहे हो। अब
उसकी एक नेगेटिव थिंकिंग चेंज हो गई है, वो ये मान के चल रहा है कि भी हाँ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, आपने उसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, सब कुछ आपने दिया है, तो फिर उससे क्या होगा कि वो अपना जो बिज़नेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो काम कर रहा है, वो उसको भी नहीं छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा ना वो छोड़ के। एम्प्लॉइज़ टर्नओवर का मतलब क्या है कि वो उसको बार बार लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एम्प्लॉइज़ आए जाए, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे एम्प्लॉइज़ को भी नुकसान है और ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान है। तो यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाता है कि वो नुकसान नहीं होता, एम्प्लॉइज़ छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि अगर वो यहाँ खुश है तो फिर वो हमारा काम भी अच्छे से कर रहा है और वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़कर नहीं जाएगा। हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर स्कूल में पढ़ते हो, अब तो आप चलो आजकल स्कूल नहीं जा रहे बच्चों, लेकिन जब आप जाते हो स्कूल में और अगर आपके अच्छे से फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपको लगते हैं, पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो आप स्कूल से बंक करते हो? नहीं, आपका मन करता है, आप ये सोचते हो कि नहीं छुट्टी तो होनी ही नहीं चाहिए, मुझे तो जाना है ना, तो आप छुट्टी नहीं मारते। ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है एम्प्लॉइज़ के साथ, जब वहाँ उन्हें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छे कलीग्स मिल रहे हैं, सब कुछ खुश हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में भी छुट्टियाँ नहीं मारते, वो सोचते हैं कि नहीं हमें तो काम पे जाना है, काम करने में हमें मज़ा आता है, तो वो छुट्टियाँ नहीं मारते। तो ये कब सब किसके कारण है? मोटिवेशन के कारण। एंड द लास्ट इज रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज। अब कोई भी, जब आप अपने एम्प्लॉइज़ को समझ रहे हो, एम्प्लॉइज़ आपको समझ रहा है, तो देखिए टाइम के साथ चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज तो करने पड़ेंगे। हो सकता है मशीनरी का चेंज हो, टेक्नोलॉजी के कारण कोई चेंजेस हो, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वो चेंज का विरोध नहीं करते, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारे ही फ़ायदे के लिए है, तो वो मना नहीं करते, वो काम हमें आसानी से करने दे देते हैं। तो देखा आपने कि मोटिवेशन के लिए भी कितने इसके फ़ायदे हैं, एक बिज़नेस को कितना फ़ायदा होता है, हम एक ही फ़ायदा लगा के चलते हैं, लेकिन बहुत सारा अल्टीमेट लॉन्ग रन में जो है ना बच्चों, इसका बहुत फ़ायदा होता है। देखा बच्चों आपने कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। अब अगर मैं इसकी इम्पॉर्टेंस को यहाँ से कंपेयर करूँ अपनी ह्यूमन बॉडी से, क्या ह्यूमन बॉडी में कोई एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे शरीर में कोई एक अंग ना हो तो हमारा शरीर अच्छे से चल पाएगा? और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं कि हमारे हर्ट की, जैसे रैंसिस लिकर्ट हैं वो कहते हैं कि मोटिवेशन जो है ना एक बिज़नेस का हार्ट है, दिल है। जैसे एक इंसान को अगर हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो इंसान क्या गया? इंसान बेचारा काम से चला गया, काम नहीं कर सकता ना वो। तो इसी तरीके से मोटिवेशन है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन नहीं होगा तो बिज़नेस अच्छे से काम नहीं करेगा, बिज़नेस फेल्योर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं हर फंक्शन के लिए ऐसा कहती हूँ, कि प्लानिंग के टाइम भी मैंने बोला, ऑर्गेनाइजिंग में भी मैंने बोला, तो बच्चों जितने भी 5 फंक्शन हैं ना इसके मैनेजमेंट के सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी एक फंक्शन ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारा काम चलता है। ये देखो कि हाथ में अगर 5 उंगलियाँ हैं ना, 5 उंगलियाँ बन के क्या बनती है? मुट्ठी। और मुट्ठी हमारी क्या होती है? ताकत। कोई हम पे वार करेगा तो आप 5 उंगलियां इकट्ठी करके और उस पे वार कर सकते हो, है ना, बच सकते हो ना। यही काम है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, वो हमारी 5 फिंगर्स हैं, छोटी बड़ी कुछ नहीं है, इकट्ठी बन के मुट्ठी बन जाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन जाती हैं? ताकत बन जाती हैं। और एक अच्छी मुट्ठी है तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तो ऐसे ही अगर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस अच्छे से मिले हुए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने से तो बच्चों कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ऊंचाइयों पर चला जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, दैट्स ऑल।